दोस्तों अभी भीम गोंडोला पे हम पहुंच गए हैं। वहाँ पर टिकट विंडो है, टिकट लेने के बाद ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जो भीम टाउन है वहाँ से बस भी यहाँ पर आती है। अगर कोई लोग अपनी कार लेकर नहीं आए, भीम तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं, तो उनके लिए बस सर्विस भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आज हम रॉकी माउंटेन देखने के लिए निकल पड़े हैं। कैलगरी से बेंफ जा रहे हैं और रॉकी माउंटेन की एक बहुत ही अच्छी पीक है जिसका नाम है सल्फर माउंटेन, जो कि बेंफ टाउन में आता है। और वहां पर जाने के लिए गोंडोला में बैठकर ऊपर जाना पड़ता है, तो वो जगह आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये जो प्लेस है ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये जस्ट आपको इस इंट्रो में ही दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम वहाँ पर जाएंगे तो उसका जो व्यू होगा वो काफ़ी कमाल का दिखने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और पूरा व्यू है वो आप एंजॉय कर पाओ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने चेक इन कर लिया है, टिकट ले लिया, अब हम जा रहे हैं गोंडोला में। गुड, थैंक यू। ये है पूरा गोंडोला और हमने स्वेटर्स और जैकेट पहन लिए हैं क्योंकि आगे बहुत ही ठंड होने वाली है। ऊपर माउंटेन के टॉप ऊपर जाने वाले हैं तो देखते हैं। और इसकी जो टिकट है वो है $62 पर पर्सन और GST मिलाकर हम दोनों की हुई है कुछ $130। तो चलिए दोस्तों, हम सीनरी को एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। कैनेडियन रॉकी माउंटेन की वन ऑफ दी ब्यूटीफुल पीक के ऊपर हम अभी जा रहे हैं और काफ़ी जॉयफुल राइड है। आपको भी ये सीनरी एंजॉय करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और वो वहाँ पर छोटा सा गांव दिख रहा है, बेम्फ। और ये रहे बादल, अभी थोड़ी देर में बादल यहाँ पर हमको देखने मिल जाएंगे। देखो, आप देख सकते हैं वहां पर दो लोग जाकर ट्रेकिंग कर रहे हैं। ट्रेकिंग करके भी ऊपर जा सकते हैं, सीढ़ियां नहीं है। और यहां पर पूरे कच्चे रास्ते बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सल्फर माउंटेन पे वाया गोंडोला पहुंच चुके हैं और यहां पर जो उनकी वॉल्स है तो वॉल्स पर ये पूरे पोस्टर लगाए हुए हैं जैसे कि ये सल्फर माउंटेन और उसके आसपास का एरिया दिखता है। तो इसका व्यू यहीं से ही हमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जस्ट अब बाहर निकलते हैं और देखते हैं। और ये है कमाल का व्यू, आपके सामने है पूरी रॉकी माउंटेन ऑफ कैनेडा। यहाँ पर जंगली बकरे हैं। तो दोस्तों, अभी हम बेंफ टॉप पे आ गए हैं और यहाँ पर जो व्यू है ये काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत है और कैनेडियन नेचुरल ब्यूटी है। और अभी यहाँ पर पानी नहीं है तो वो जो बकरे हैं वो बर्फ़ खा रहे हैं। और ये जो माउंटेन पीक आप देख रहे हैं,
ये काफ़ी अमेजिंग है। पूरी रॉकी माउंटेन के जो हाइट वाले जो पीक है वो यहाँ से दिख रहे हैं हमें। और अभी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है, और यहाँ पर ट्रैक करने के लिए, यहाँ पर चलने के लिए स्टेयर बनाए हुए हैं। जो हम नीचे से आए वो व्यू यहाँ पर आप देखिए, तो ये देख के लग रहा है कि यहाँ पर आने का, इतने किलोमीटर की ट्रिप करने का जो हमारा एफर्ट है और यहाँ पर जो हमने ट्रिप करी है वो पूरी पैसा वसूल हो गई है। और अगर आप यहाँ पर आए तो अपने जैकेट्स और स्वेटर लेकर ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ठंड होती है, क्योंकि ये माउंटेन की पीक है। यहाँ से पूरा बेंफ टाउन दिख रहा है और रिवर दिख रही है, अमेजिंग। और यहाँ पर हम थोड़ा आगे जाने वाले हैं तो सारी साइट सीइंग आपको दिखाते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। और वहाँ पर सामने एक और पीक है, वहाँ पर जाने के लिए यहाँ से हम चलते चलते उधर जा रहे हैं, तो वहाँ का भी व्यू एंजॉय करेंगे। और जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है उनके लिए तो ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में होता है, लोग जाते हैं और अपना नाम लिख के आते हैं, तो भाई ये पब्लिक तो हर जगह ऐसी ही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लोगों ने अपने नाम लिख दिए हैं। और अभी जो हल्की हल्की बारिश हो रही है उसकी वजह से यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और जो नेचर के शौकीन है वो तो यहाँ पे आएंगे तो उसके लिए तो ये स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है हमें, क्योंकि हम दोनों वैसे ही नेचर के शौकीन हैं, तो हम भी इंडिया में भी घूमते रहते थे और यहाँ पे भी। इतनी अच्छी जगह पे भी लोग अपना कूड़ा कचरा थोड़ा बहुत तो फेंक के चले जाते हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि नेचर के लिए यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, तो जो भी नेचुरल प्लेस पे जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं तो कचरा फेंकते नहीं है, और इसीलिए कनाडा है वो काफ़ी क्लीन है। लेकिन फिर भी कुछ लोग है वो कचरा फेंक के चले जाते हैं। आप हमारे पीछे देख पाओगे कि वहाँ पर जो बादल है वो हम यहाँ पर जो है जिस हाइट पे है उससे अभी काफ़ी नीचे है, और वहाँ पर जो हमें आप देख पाएंगे वो है लेक मिनेवांका, और यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। अब हम वहाँ पर भी जाने वाले हैं और आप इसका जो व्यू है चारों ओर 360 डिग्री देख सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर जो स्पेस स्टेशन होता था, स्पेस के लिए रिसर्च करते थे साइंटिस्ट, उनके लिए यहाँ पर एक स्टेशन बनाया गया था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर हो रहा था, जो रसिया और यूएस के बीच में उस टाइम का जो टेंशन था, उस टाइम पर काफ़ी सारे साइंटिस्ट यहाँ पर स्पेस में जाने के लिए, कौन सबसे पहले सैटेलाइट बनाएगा वो सब करने के लिए ऐसी सीक्रेट जगहों पर वो रिसर्च करते थे ताकि किसी को पता ना लगे। और अभी यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है, अभी भी चालू ही है, और थोड़ा ये जो वेदर है थोड़ा क्लियर हो चुका है, तो जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर देखो लोग अपने नाम लिख कर चले गए। तो क्या कहना है इस जगह के बारे में? काफी अच्छी जगह है, हमें बहुत मजा आया। होप आप लोगों को वीडियो देखकर भी काफी मजा आ रहा होगा। तो चलिए अब हम यहाँ से नीचे जाते हैं और बेम्फ जो टाउन है उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑब्जर्वेशन डेक बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ की हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर पेंटिंग और पिक्चर्स में रखी हुई है। ये आप पास से देख सकते हैं कि ये जो अभी हमें ये बेम्फ नेशनल पार्क का एरिया है और उसके बाद हम फिर यहाँ पर जास्पर नेशनल पार्क जाने वाले हैं। जो पुराने पिक्चर्स है वो यहाँ पर रखे हुए हैं और व्यू भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एंजॉयफुल प्लेस है। इसका जो व्यू है वो इतना ज़्यादा है कि ये इसको कैप्चर करने के लिए वाइड एंगल लेंस का ही यूज़ करना पड़ता है। विदाउट वाइड एंगल इसमें देख पाना इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब बेम्फ टाउन की ओर। अब बेम्फ टाउन भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।